राजधानी भोपाल में नगर निगम चुनाव प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने वार्ड क्रमांक 44 में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने सोमवार को भोपाल के अलग अलग वार्डों में जनसंपर्क किया और इन वार्डों में उनके साथ स्थानीय कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 44 में विभा पटेल ने डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया और कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील की। विभा पटेल का कहना है कि जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा दिए गए एक बयान में कांग्रेस को बुझा हुआ बल्ब कहने पर विभा पटेल का कहना है कि उन्हें ऐसा कहते समय शर्म आना चाहिए। और रही बात उनकी महापौर प्रत्याशी मालती राय की, तो वो अपने वार्ड से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार हार चुकी हैं। हम लोग सबसे मिल रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे काम करने का अनुभव है, मैं चाहती हूँ कि जनता के लिए काम किया जाए। काम करके शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस बुझा हुआ बल्ब, उन्हें तो ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए जो नेता ये कह रहे हैं। 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री को बर्दाश्त कर सकते हैं। दरअसल इनके पास ना तो सोच है, ना दृष्टिकोण है और ना ही नज़रिया है और ना इनके पास काम करने की इच्छा शक्ति है। केवल ये लोग इवेंट मैनेज करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा इनके पास कोई नज़रिया हो तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो सामने आकर ये बताएं ना, जनता ने उन्हें दो दो बार नकारा क्यों। मैं आपकी मुसीबत और हल कर देती हूँ, आप उनके वार्ड में जाइए और उनसे जाके पूछिए कि उनकी वार्ड की जनता ने उन्हें दो बार क्यों नकारा। दरअसल वो हर बार चुनाव में जीतने के बाद अपनी बातें भूल जाती हैं, इसलिए ये सब स्थितियाँ निर्मित होती हैं। मैंने पहले भी काम किया है और पहले भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो मैं कर ना सकूं, और इस बार भी जो मैं कहूंगी वो करके दिखाऊंगी। जी तारिक मतलब मिल रहा, क्योंकि 5 साल इस वार्ड के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ। वार्ड नंबर 44 के अंदर आप जगह जगह जाके देख सकते हैं, कचरा और नाली रोड से सब लोग परेशान हैं। हमें अच्छा जनसमर्थन मिल रहा और हम बहुमतों से यहाँ से जीत के हासिल करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करेंगे। मेरे को यहाँ पर इस वार्ड से जीतता हूँ तो जनता की जो समस्या है, नाली है, रोड है, लाइट है, जो सीवेज का काम है यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर, खासतौर से मेन सीवेज की परेशानी है यहाँ पर, वो सीवेज की समस्या मेरे को दूर करना है। विधवा पेंशन की समस्या है यहाँ पर, विधवाओं की पेंशन नहीं मिल पा रही, राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, इन समस्याओं को लेकर मैं अपना काम करूँगा। और ये मेरे वचन पत्र के अंदर भी मैंने दिया है और मैं इस वार्ड के अंदर अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करूँगा, इस वार्ड को नंबर वन लाने की कोशिश करूँगा। वार्ड जनता से, वार्ड नंबर 44 की जनता से यही अपील है कि 6 तारीख को आने वाली सूरज की पहली किरण के साथ कांग्रेस पार्टी के पंजे पर मोहर लगा के माननीय हमारी विभा पटेल भाभी जी को और मुझको बहुमतों से जिताएं और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। फिलहाल राजधानी भोपाल में कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।